हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस फॉर बैंक एग्जाम्स 2018। तो ये जो सेशन रहेगा डेडिकेटेड रहेगा बैंक एग्जाम्स के लिए, जैसे कि एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, नबार्ड, आरबीआई एटसेट्रा एटसेट्रा। जनरल अवेयरनेस का ये सेक्शन है। एमसीक्यू फॉर्मेट में हम 10 सवाल डिस्कस करेंगे। सवाल आपको एक गिवन रहेगा, 5 ऑप्शंस रहेंगे, एक करेक्ट ऑप्शन रहेगा और उसके बाद जो सोल्यूशन रहेगा उसको थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द पंजाब नेशनल बैंक, जो जिसे हम पीएनबी भी बोलते हैं, एंड द आईसीआईसीआई बैंक हाइक्ड द एमसीएलआर रेट्स फॉर लोन बोरोवर्स। द पीएनबी हैज इंक्रीज्ड 1 ईयर एमसीएलआर टू ब्लैंक फ्रॉम 8.15%। और 5 ऑप्शंस आपको गिवन है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, 8.3। फ्रॉम 8.15% टू 8.3% का हाइक किया है इन एमसीएलआर रेट्स फॉर लोन बोरोवर्स। टेकिंग ए क्यू फ्रॉम एसबीआई, कंट्रीज सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर आईसीआईसीआई बैंक also raised the 1 year MCLR from 8.2% to 8.3%. The PNB, which is at the center of Nirav Modi fraud, also increased 1 year MCLR to 8.3% from 8.15%. ठीक है? Second question पढ़ेंगे। The State Bank has raised its lending rates by 20 basis points to 8.15%. ओके, विद इमीडिएट इफेक्ट सेटिंग द टोन फॉर द इंडस्ट्री टू फॉलो सूट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गोना इम्पैक्टेड। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसे इम्पैक्ट नहीं करेगा? ठीक है, तो 5 ऑप्शंस आपको गिवन है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, विच इज बोथ बी एंड सी। ऑप्शन बी क्या है? कार लोन विल बी चीपर, और ऑप्शन सी होम लोन विल बी चीपर। द स्टेट बैंक हैज रेट इट्स लेंडिंग रेट्स बाय 20 बेसिस पॉइंट्स विद इमीडिएट इफेक्ट सेटिंग द टोन फॉर द इंडस्ट्री टू फॉलो सूट। दिस इज लाइकली टू मेक होम एंड कार लोन्स कॉस्टलियर। मतलब ऑप्शन बी और सी नहीं इस तरह से इंपैक्ट होंगे, मतलब ना कार लोन चीप होगा ना होम लोन चीप होगा, उल्टा अपोजिट इफेक्ट होगा, बोथ कार एंड होम लोन्स विल गेट कॉस्टलियर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। India and Jordan has renewed their support to the Palestinian cause as the two sides signed 12 agreements, including one on defense cooperation, following a bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and King of Jordan. Who is the present King of Jordan? और 5 options आपको given है। Correct answer क्या होगा? Correct answer है option C, Abdullah II ibn al Hussein. अब्दुल्ला अल हुसैन द सेकेंड। ठीक है, इंडिया एंड जॉर्डन हैज रिन्यूड देयर सपोर्ट टू द पैलेस्टीनियन कॉज एज द टू साइड्स साइंड 12 अग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग वन ऑन डिफेंस कोऑपरेशन फॉलोइंग ए बायलैटरल मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड किंग ऑफ जॉर्डन अब्दुल्ला अल हसन। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे। देन यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ पीएमईजीपी बियॉन्ड 12th प्लान फॉर 3 ईयर्स फ्रॉम 2017-18 टू 2019-20 with a total outlay of rupees 5500 crore. PMEGP stands for, full form बताना है। 5 options आपको given है। Correct answer क्या रहेगा? Correct answer रहेगा आपका option B, Prime Minister's Employment Generation Program, PMEGP. Okay, आगे बढ़ेंगे। Fifth question पढ़िए। The government has allocated blank crore to health and family welfare in the union budget 2018-19, an 11.5% rise over the rupees 47,353 crore allocated last fiscal. ठीक है, 5 options आपको given है। Correct answer क्या रहेगा?
करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन डी, रुपीज 52,800 करोड़। द गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड रुपीज 52,800 करोड़ टू हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन द यूनियन बजट 2018-19 एंड 11.5% राइज ओवर द रुपीज 47,353 करोड़ एलोकेटेड लास्ट ईयर। According to the budget outlay, the government made a 13% increase in the funding to Ayush Ministry from rupees 1,429 crore to rupees 1,626 crore. Okay, sixth question dekhenge. How much fund has been allocated as a national support by the government to all tuberculosis patients? Aur panch options aapko given hai. करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा आपको ऑप्शन ई 600 करोड़, दैट इज रुपीज 500 पर पेशेंट। इन एन अटेम्प्ट टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली हैज एलोकेटेड 600 करोड़ इन द बजट फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू टीबी पेशेंट्स, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। अंडर द स्कीम रुपीज 500 पर मंथ विल बी प्रोवाइडेड टू अ टीबी पेशेंट अंडर गोइंग ट्रीटमेंट इन द कंट्री। ऑल टीबी पेशेंट्स रजिस्टर्ड विद इन अ सेंट्रलाइज्ड डेटा After inspection of their required documents will get the amount in their bank accounts. ठीक है, तो 500 रुपए पर पेशेंट है टीबी के और टोटल बजट कितना था 600 करोड़। आगे बढ़ेंगे, सेवेंथ क्वेश्चन पढ़िए। एवरी ब्लॉक इन द कंट्री विद 50% ट्राइबल पीपल विल हैव अ स्कूल अंडर विच गवर्नमेंट स्कीम, और पांच ऑप्शंस आपको गिवन है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ई एकलव्य स्कीम। बाय 2022 एवरी ब्लॉक विद मोर देन 50% एसटी पॉपुलेशन एंड एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पर्संस विल हैव एन एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल और एकलव्य स्कीम, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली सेड इन हिज बजट स्पीच। आगे बढ़ेंगे, एट क्वेश्चन देखिए। नेम द वियतनामीज प्रेसिडेंट Who has arrived in India recently on the 3-day visit? और पांच options आपको given हैं। Correct answer क्या रहेगा? Correct answer रहेगा आपका इसका option C, which is Tran Dai Quang. The Vietnamese President Tran Dai Quang has arrived in India on the 3-day visit. He is scheduled to hold delegation level talks with PM Narendra Modi in New Delhi. Strengthening cooperation in the key areas of defence and trade will be on the high agenda. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। आर्मेनियन लॉ मेकर्स इलेक्टेड डैश एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आर्मेनिया। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आर्मेनिया किसे बनाया गया है? पांच ऑप्शन आपको गिवन है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आर्मन सरकीजियन। आर्मन सरकीजियन इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आर्मेनिया। दसवां और फाइनल क्वेश्चन पढ़िए। द 27th सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी टूर्नामेंट हैज कंक्लूडेड रिसेंटली इन, कहां पर हुआ है अभी 27th सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट? पांच ऑप्शंस आपको गिवन है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी, आईपो। द 27th सुल्तान टूर्नामेंट हैज कंक्लूडेड इन द मलेशियन सिटी ऑफ आईपो। सिक्स नेशंस इंडिया उस मलेशिया, डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना एंड आयरलैंड आर द टेकिंग पार्ट इन द टूर्नामेंट। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हमने जनरल अवेयरनेस के लिए फॉर बैंक एग्जाम्स लाइक IBPS, SBI, RBI, NABARD एटसेट्रा के लिए डिस्कस किए थे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ फॉर्मेट में हम डिस्कस किए, जिससे मोर पेपर यूज टू रहे आपके लिए। इसके साथ साथ मैं आपको चीज़ एक और बताना चाहूँगा कि अगर आप इन 10 क्वेश्चन की PDF फॉर्म में चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक कीजिए, क्लिक करते ही आपकी इन 10 क्वेश्चन की PDF डाउनलोड हो जाएगी। कोई भी आपकी डाउट हो रिगार्डिंग द सेशन या फिर आप चाहते हैं हम कोई टॉपिक पर्टिकुलर कवर करें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर लीव कीजिएगा, सब्सक्रिप्शन बटन के पास आपको बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा। उससे होगा ये कि जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ नाइस डे।